नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों बता दें कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी कहते हैं या उसको सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं नर्स समीकरण क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव कैसे निकालते हैं, और इसके पहले बातचीत ये भी हुई है कि किसी भी दिए गए सेल का या दिए गए सेल समीकरण से उसके सेल विभव की गणना, उसके गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना, उसके साम्य स्थिरांक की गणना आप कैसे कर पाते हैं, ये सब कुछ आज के पहले वाले वीडियो में बताया गया है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक पर। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जैसा कि श्रेणी जो शब्द है इसका मतलब है कि लाइन से किसी क्रम में किन्हीं धातुओं को रखा गया है। मतलब दोस्तों बात यह है कि जितने भी, चूँकि ये चैप्टर कौन सा है वैद्युत रसायन, इसमें हम करते क्या है, बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं। जब हम किसी सेल को बनाते हैं तो वो दो टाइप का सेल होता है, या तो वैद्युत रासायनिक सेल या तो गैल्वेनिक सेल होता है। अब गैल्वेनिक सेल होता है तो उसमें दो रॉड होती हैं यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोड होती हैं, एक कैथोड का काम करती है और एक एनोड का काम करती है। कैथोड पर आप जानते हैं अपचयन अपक्रिया होती है, एनोड पर आप जानते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। लेकिन वैद्युत रासायनिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर धन आवेश आता है, लेकिन वहीं अगर आप गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल देखेंगे तो उसमें एनोड पर ऋण आवेश आता है। ये जो मेन डिफरेंस है ना, वो क्यों है, वो आपको पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर धन आवेश और कैथोड पर ऋण आवेश होता है, वहीं पर गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋण आवेश आता है और कैथोड पर धन आवेश आता है। तो दोस्तों बता दें कि हम जितने भी धातुओं का सेल बना सकते हैं या इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, उस धातु पर कितना अपचयन विभव आता है, कितना मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है, उन सभी मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में अगर हम सभी धातुओं को रख दें तो जो श्रेणी बनती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी कि आपको हम यहाँ पे धातुओं की एक लिस्ट देंगे, ठीक है, क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ एक लिस्ट रहेगी जिसमें सभी धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। यानी कि कौन सी धातु सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव देगी या किस धातु का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसको सबसे ऊपर रखेंगे और उसके आगे बढ़ते हुए क्रम में सभी धातुओं को जब रख देंगे तभी वह श्रेणी तैयार होगी और उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और उसको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसका मतलब ये होता है कि जो धातुएं अधिक सक्रिय हैं या अधिक रिएक्टिव हैं या अधिक अभिक्रियाशील हैं उनको ऊपर रख देते हैं, और जो कम क्रियाशील हैं उनको धीरे धीरे नीचे आगे बढ़ते हुए क्रम में जब रखते हैं, सॉरी घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी मिलती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। आपसे अगर परिभाषा पूछा गया एग्जाम में तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे जब सभी धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, या जब सभी धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर एक बार और अथवा करके आप बोल सकते हैं कि जब सभी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आइए दोस्तों, ये तो परिभाषा की बात हो गई, थोड़ा सा श्रेणी देख लेते हैं, और श्रेणी को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे इस श्रेणी पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं जरा सा श्रेणी क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारी श्रेणी है वो है लिथियम, मतलब कि लिथियम जो धातु है ना, इस धातु का हम लोग सेल बनाते हैं। और ये कहाँ मिलेगी, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो मोबाइल फ़ोन होता है उसकी बैटरी लिथियम उसकी बैटरी लिथियम आयन से ही बनती है, यानी कि लिथियम से बनती है। और आपको एक जानकारी और दे दें कि यह सबसे प्रबल अपचायक धातु होती है और इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है। और ध्यान रखिएगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है वह धातु उतनी ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, अभिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव होती है, ठीक है। और बता दें एक और लेटेस्ट जानकारी कि दुनिया में
सभी धातुओं में जितनी भी धातुएं ज्ञात हैं उन सभी में सबसे हल्की धातु भी लिथियम है। एल आई से आप समझ सकते हैं कि एल आई फॉर लाइटेस्ट, मतलब हल्की से हल्की, और धातु कौन है तो ये लिथियम ही है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु कौन है, लिथियम, और सबसे अधिक प्रबल आक्सीकारक धातु कौन है, आक्सीकारक धातु नहीं कह सकते, अधातु होती है वह फ्लोरीन होती है, याद रखिएगा। और अगर कभी आपसे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे अधिक आक्सीकारक या प्रबल आक्सीकारक कौन है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन है। इसको नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए, कभी भी कहीं भी कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले जो श्रेणी है उसमें सबसे पहले कौन धातु रखी गई है, लिथियम। अब देखिए उसके बाद कौन है, पोटेशियम, उसके बाद कौन है, बेरियम। ठीक है, तो इस तरह से आप कई धातुओं को आगे रखा हुआ पाएंगे। आइए देखते हैं थोड़ा तेजी से। ठीक है, देखिए लिखबा सर का नाम मंगल मन जन करके आया सीढ़ी को, सीढ़ी को कोबाल्ट है। ठीक है, निहारने लगा। ठीक है, संग में लेड को भी लेकर गया। ठीक है, और हाँ हाँ यहाँ पर हाँ हाँ मतलब हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा लिखबा सर का नाम मंगल मंजन करके आया सीढ़ी को निहार सनूप लेड हा। ठीक है, क्यों मरकरी, क्यों मरकरी, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। देखिए ये आपकी श्रेणी हो गई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक धातुओं को एक निश्चित क्रम में बैठा दिया गया है, और फिर उसके बाद इसके नीचे दोस्तों इतने धातुओं को और बैठा दिया गया है, लेकिन इनको बैठाने का एक निश्चित क्रम है। ठीक है, वह क्रम क्या है दोस्तों, बता दें कि ऊपर से नीचे की तरफ सक्रियता, सक्रियता, सक्रियता यानी कि अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ध्यान दीजिए, सक्रियता क्या होती है, घटती है, कहाँ से कहाँ की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, इसी को रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, देखिए सक्रियता घटती है कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे तीर अगर हम ऐसे लगाते हैं इसका मतलब सक्रियता घटती है कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब दोस्तों दूसरी बात, यह सबसे प्रबल अपचायक धातु है, इसका मतलब इससे कम ही अपचायक रहेंगे नीचे वाले सब, तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर अपचायक क्षमता घटती है। देखिए ये शॉर्टकट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अपचायक क्षमता घटती है, घटती है कहाँ से कहाँ की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ये तीर क्या बता रही है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तब अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तीसरी चीज यहीं पे आप लिख सकते हैं, प्रबल अपचायक कौन है, प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम। दुर्बल अपचायक कौन है, दुर्बल अपचायक कौन है, जो सबसे नीचे रहेगा, मतलब कि एफ टू। ठीक है, अब देखिए जब अपचायक क्षमता घटती है तो आक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है कहाँ से कहाँ की तरफ, कहाँ से कहाँ की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर देखते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इन सभी धातुओं के अगर मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मान रख दिया जाए तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का, और इधर की ओर मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सबसे अधिक किसका होगा, एफ टू का। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, बढ़ता है कहाँ से कहाँ की तरफ, बढ़ता है कहाँ से कहाँ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। दोस्तों ये शॉर्टकट में लिखा गया है, इसको आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी खासियत देख लेते हैं। चलिए अगर मानक अपचयन विभव की बात करें, मानक, मानक अपचयन विभव की बात अगर कर लें तो मानक अपचयन विभव भी क्या होता है, बढ़ता है कहाँ से कहाँ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये तो विशेषता हो गई, ये विशेषता हो गई किसकी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। अब इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, तो महत्व के लिए देखिए मतलब अप्लीकेशन, अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर हम कह सकते हैं अप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये तो पहला क्या है कि जो धातुएं ऊपर होती हैं वह प्रबल अपचायक होती हैं, यानी कि उनका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है और उनकी सक्रियता भी सबसे अधिक होती है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर स्थित धातुएं, ठीक है, अपने नीचे स्थित धातुओं को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नीचे स्थित धातुओं को उनके विस्थापित करती है। अब देखिए यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं इस श्रेणी में, वह अपने नीचे वाली धातुओं को उनके विलयन में से ही अलग करती हैं। जैसे यहाँ पर ज़रा सा आप देखने की कोशिश करिए, जैसे बहुत बड़ी बात है, अगर आपसे कह दिया जाए कि MN प्लस ZN SO4 यह अगर रिएक्शन करता है जिंक सल्फेट से, कौन, मैग्नीज, तो क्या मैग्नीज जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करके MnSO4 प्लस ZN बना सकता है? क्या दी गई रासायनिक अभिक्रिया संभव है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि यह संभव है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि यह आप चुटकी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये MN है और ये ZN है, इसमें जो धातु ऊपर स्थित रहेगी, ठीक है, यानी कि अगर MN ऊपर स्थित रहेगा तो वह नीचे स्थित धातु अगर ZN आ गया, मतलब ZN MN से अगर नीचे हो गया और MN ऊपर हो गया, तो ये ऊपर स्थित धातु हो जाएगी MN, ठीक है। ये नीचे स्थित धातुओं मतलब जिंक को उनके विलयन, मतलब जिंक को जिंक के विलयन से अलग करता है, इसके विलयन से जिंक को अलग करता है, क्या ये पॉसिबल है। तो बस आपको इतना देखना है कि अगर MN का स्थान ZN से ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। देखिए MN कहाँ है, MN खोजिए, MN कहाँ है, देखिए MN कहाँ है, MN यहाँ है, ठीक है, ZN कहाँ है, यहाँ है, यानी कि MN ऊपर है और ZN नीचे है, MN ऊपर है और ZN नीचे है, इसका मतलब MN अगर ऊपर मिल गया तो इसकी सक्रियता अधिक है, इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, जब अधिक रहेगी तो ये किसी भी धातु को उनके विलयन से अलग कर सकता है, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया संभव है। आपको आंसर लिखना है, अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछे कि क्या दी गई अभिक्रिया संभव है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए अगर संभव है तब, तो आपको लिखना है आंसर में कि दी गई अभिक्रिया संभव है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में MN का स्थान जिंक से ऊपर है, यानी कि MN की सक्रियता जिंक से अधिक है, या MN की अभिक्रियाशीलता जिंक से अधिक है, इसलिए यह दी गई अभिक्रिया संभव है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है, बस केवल यहाँ पर धातुएं अलग अलग रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ, यानी कि इसमें आपको चेक करना है, ऊपर नीचे का मैटर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इसको शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरी धातु। अब देखिए जो धातु ऊपर रहेगी, ठीक है, वो हमेशा अम्ल से हाइड्रोजन को निकालेगी। अब चाहे वो अम्ल HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, जैसे देखिए, मतलब ऊपर स्थित धातुएं लिख सकते हैं, इस श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को गैस के रूप में विस्थापित करती हैं। तो आपको ये भी रिएक्शन दे देगा और पूछेगा क्या दिया गया अभिक्रिया संभव है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ZN है प्लस H2SO4 है, ठीक है, तो अगर ZN की अभिक्रिया H2SO4 से करा दी जाए तो क्या यह, देखिए चूंकि ZN पे डबल प्लस आता है, H2 पर दो प्लस आ जाएगा, SO4 पे डबल माइनस आ जाएगा, तो अगर यह ZN H2SO4 से अभिक्रिया किया तो ये ZN पे प्लस आवेश है तो ये माइनस वाले से अभिक्रिया करेगा, यानी कि ZN SO4 से अभिक्रिया करके ZN SO4 बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, यह गैस के रूप में हाइड्रोजन उड़ जाएगी, क्या यह अभिक्रिया संभव है।
तो ये क्रिया तभी संभव है जब यहां पर जो अकेला धातु है यानी कि जिंक, उसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर रहे। तो क्या दी गई अभिक्रिया में, सॉरी दी गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जेडियन का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है? देखिए जेडियन कहाँ है, यहाँ है, फिर इसके नीचे आएंगे तो CO है, फिर ये भी कहाँ है, इस CO के नीचे ही है, तो इसके नीचे आएंगे और आएंगे नीचे तो यहाँ हाइड्रोजन है। इसका मतलब जिंक कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है। जिंक कहाँ है, ऊपर है, किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब ये दी गई अभिक्रिया संभव है। क्यों? क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका कारण हो जाएगा क्या कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है और जिंक की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव है। ठीक है, आगे आइए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉपर कॉपर प्लस 2HCl, ठीक है, कॉपर है, कॉपर मतलब क्यूप्रम इसका ओरिजिनल नाम है, तांबा कहते हैं, ठीक है, तो क्यूप्रम, क्यूप्रम की अभिक्रिया या कॉपर की अभिक्रिया जब HCl से होती है तो क्या बनता है आगे? देखिए चूंकि इस पर डबल प्लस आता है, सिंगल प्लस भी आता है, ठीक है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन भी होती है, टू प्लस भी होती है, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, दो प्लस है, इस पर दो माइनस आ जाएगा Cl पर, तो ये प्लस वाला Cl से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ हो जाएगा CuCl2 प्लस दो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। क्या ये दी गई अभिक्रिया संभव है? कारण से स्पष्ट कीजिए कि दी गई अभिक्रिया संभव है। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा आपको कॉपर और ये जो H है ना, दो बार H है, यानी कि H2 है, H2 कौन है, ये है, ठीक है, कॉपर अकेले है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन अपने विलयन के साथ है, तो यहाँ पे देखना है कि क्या कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, कॉपर को खोजिए, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, और ये कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है, ये कॉपर इस हाइड्रोजन के नीचे है, और जब नीचे है तो क्या होगा, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी, और जब अभिक्रियाशीलता इसकी कम होगी तो ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से अलग नहीं कर पाएगा, यानी कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। तो लिखेंगे दी गई यह रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह कम अभिक्रियाशील होता है, किससे, हाइड्रोजन से, यानी कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आपका जो न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 3.1 का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको कुछ धातुओं को दे दिया है, ठीक है, कुछ धातुओं को दिया है, बोला है कि उनको जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता के क्रम में या उनके मानक अपचयन विभवों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों बता दें कि इसमें इतनी धातुएं हैं और इतनी धातुएं में से 5 धातु निकाल के दिया है, बोला है कि उनको अरेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कॉपर दे दे, Fe दे दे, एलुमिनियम दे दे, ठीक है, जिंक दे दे, ठीक है, और भी कुछ दे दे सपोज, ठीक है, या हाइड्रोजन दे दे, तो आपको बोला है कि इनको जो है उनके बढ़ते या घटते मानक अपचयन विभवों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आप इस श्रेणी को याद करके इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3.2 है, उसमें भी दिया गया है, कुछ धातु दी गई हैं, उनके मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, उनको बोला है कि आप व्यवस्थित कीजिए किसी बढ़ते या घटते क्रम में। तो देखिए ये है बढ़ता और घटता क्रम, ठीक है, यानी कि ऊपर सबसे कम वैल्यू होती है मानक अपचयन विभव की, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है वैल्यू। तो आप इनको भी क्वेश्चन नंबर 3.2 में जितनी धातुएं दी गई हैं उनको आप घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आइए एक बार फिर से ट्रिक की सहायता से इनको याद कर लेते हैं, ट्रिक की सहायता से इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लीक बा सर का नाम, मंगल मन जन करके आया, ठीक है, सीडी को निहार, सनूप लेड हा, संग में लेड हा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है, बैठा लीजिएगा, सनूप लेड हा, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। जैसे देखिए इसमें बात क्या है कि कभी भी मतलब कोई सर हैं और उनकी कोई बात है जो कि लीक हो गई, लीक मतलब बाहर हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब बाहर हो जाएगी, तो उसी को बताया जा रहा है कि लीक हो गया सर का नाम, यानी कि लीक बा, लीस लिथियम हो गया, कैसे कैलियम हो गया यानी कि पोटेशियम, फिर बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, ऑर्गन्स और स्टेनम, यानी कि इसको टिन भी कहते हैं, ठीक है, और ये लेड हो गया, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सॉरी इसके लिए, बेहद सॉरी। फिर ये हाइड्रोजन है, और फिर जैसे क्लास में बैठे रहते ना, कहते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, वो पल्लवी नहीं आई, प्रीति नहीं आई, सोनू मोनू नहीं आया, उसी तरह से ये पूछ रहा है
कि क्यों मरकरी, मरकरी से पूछ रहा है कि क्यों भाई मरकरी आज आज प्रीति, प्रीति मतलब प्लेटिनम, गोल्ड गोल्ड यानी गोल है को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ट्रिक हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे पिछले भी वीडियो ऐसे ही अच्छी अच्छी गई हुई हैं और जो कि इंपॉर्टेंट बेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस पर आधारित हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई गई हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहे, आपका दिन शुभ।